हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजी स्टडी स्टूडियो। आइए शुरू करते हैं आज हम क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 में ये कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सूत्रता की जांच कीजिए। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक क्वेश्चन इसका फर्स्ट वाला हमने करके बताया था किस तरीके से हम उसके शून्य निकालते हैं, किस तरीके से हम उसे वेरीफाई करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए वन का सबसे पहले हम इसके फैक्टर करेंगे तो वन का मल्टीप्लाई फोर में किया तो फोर आएगा, फोर के हमने फैक्टर किए तो टू टू जा फोर और टू बन जा टू, यानी कि दो गुणा दो इसके फैक्टर बन गए। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फोर आएगा और अगर गुणा करेंगे तो फोर आएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फोर एस स्क्वायर माइनस टू प्लस टू एस प्लस वन। ठीक है, अब फोर एस स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस माइनस हो जाएगा टू एस माइनस प्लस माइनस टू एस प्लस वन। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, टू एस कॉमन आ रहा है, टू एस कॉमन ले लिया तो क्या बचा, टू एस बचेगा माइनस वन बचेगा क्योंकि ये पूरा निकल गया, माइनस कॉमन है इन दोनों में और वन कॉमन है क्योंकि टू एस तो ऐसे ही आ रहा है टू एस माइनस वन, तो इसके फैक्टर हो गए टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन। ठीक है, तो जब टू एस माइनस वन और टू एस माइनस वन का मान शून्य है तब हम कह सकते हैं कि 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो तथा 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी 2s ये माइनस का मान इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा वन आ जाएगा और s इक्वल टू दो से जो है भाग लग जाएगा डिवाइड कर जाएगा तो वन ओवर टू आ गया। ऐसे यहाँ पे 2s इक्वल टू वन आ जाएगा ये और s इक्वल टू वन ओवर टू आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा जो हम मानते थे अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम आई है। ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम आई है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले सत्यता की जांच वेरीफाई करेंगे इसको कैसे, यानी सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब मुझे ये बताने के लिए कि मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उन चीजों को। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है, अल्फा कितना है आपका वन अपॉइंट टू प्लस बीटा कितना है वन अपॉइंट टू इक्वल टू बी कितना है बी तो आपका ए। ठीक है, माइनस का फोर अपॉन ए क्या है फोर है, ए क्या है फोर है ए। ठीक है, तो यहाँ एच एन टू आ गया वन प्लस वन आ जाएगा इक्वल टू फोर अपॉन फोर आ जाएगा, तो फोर से फोर वन टाइम्स है ना, टू अपॉन टू इक्वल टू वन, तो ये आ गया वन इक्वल टू वन। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया। अब बात करते हैं अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, अल्फा क्या है वन अपॉन टू गुणा बीटा क्या है वन अपॉन टू बराबर सी कितना है सी अपॉन अपॉन ए क्या है फोर, तो ये आ जाएगा आपका वन अपॉन फोर इक्वल टू वन अपॉन फोर। ठीक है, यानी ये सत्यापित हो गया वेरीफाइड हो गया। ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के जो मान है वो एल एच एस प्लस टू आर एच एस आएगा, इसलिए जो है ये हमारा ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हम फैक्टर करते हैं, किस तरीके से उनके शून्य निकालते हैं, किस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर समझ में नहीं आया हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।